जेपी चंदेलिया के भाजपा ज्वाइन करते ही भाजपा के ही राजेश फोरमैन ने इशारों इशारों में चंदेलिया पर तंज कसते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दे डाली है। आपको बता दें कि आज जयपुर में भाजपा कार्यालय में कांग्रेस के पूर्व विधायक जेपी चंदेलिया अपने समर्थकों के साथ आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। चंदेलिया के अलावा कैलाश मेघवाल, मनोज आलड़िया और राजेंद्र भांबू और पार्टी से निष्कासित झुंझुनू जिले के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी आज भाजपा ज्वाइन कर ली है। पूर्व विधायक जेपी चंदेलिया ने भाजपा ज्वाइन करने के पीछे का कारण भी बताया। देखिए, कांग्रेस पार्टी में थे और कांग्रेस पार्टी के मार्फत बहुत काम किए, जनता के विधायक रहा हूँ। पिलानी विधानसभा क्षेत्र से जनता जनार्दन ने बहुत सहयोग दिया, बिल्कुल वो विकास के कामों में जो भी मैं उनसे सहयोग चाहता था वो काम किया, मैंने मन से काम किया। 5 साल तक जो भी काम, लगभग इतने काम हो गए कि पिछले 40-50 सालों में कोई काम नहीं हुए, उतने काम मेरे 2018 से 23 के कार्यकाल में मैंने किए और जनता ने सराहना भी की, उससे मेरा उत्साह भी बढ़ा। जब ये चुनाव आया 2023 वाला, तो उसमें लगभग सारे सरपंचों, BDC मेंबर, जिला परिषद सदस्य, विभिन्न पदों पर जो सामाजिक संगठनों के जो लोग थे उनके कहने के बावजूद, पार्षदों के कहने के बावजूद, जनता जनार्दन की अपील के बावजूद कांग्रेस ने टिकट किसी अन्य को दे दिया, जबकि मैं सिटिंग MLA था। सिटिंग MLA की टिकट सामान्यतया काटते नहीं है, इन्होंने काट दी। हम अनुशासन प्रिय लोग हैं, मेरे साथी अनुशासन प्रिय, लेकिन मेरे को तो खैर बुरा लगा ही लगा, लेकिन मेरे साथ जो हजारों की संख्या में मेरे साथी कार्यकर्ता हैं, मेरे साथी हैं, उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने इस बात को मन बना लिया कि कांग्रेस पार्टी कार्य करने वाले लोगों की इज्जत नहीं करती, उनको कोई उत्साह नहीं देती। इसलिए मैंने और मेरे साथियों उनकी प्रेरणा पर, उनके कहने पर और स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, आज ज्वाइन कर ली। इन्हें नगर पालिकाओं के पार्षद, सरपंच, पूर्व पार्षद, पूर्व BDC मेंबर, अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ साथी भारी संख्या में थे। लगभग 111 लोग जो यहाँ आए थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके BJP में ज्वाइन कर लिया, मेरे साथ किया है। लेकिन साथ ही साथ जो अब फील्ड में लोकसभा का चुनाव जो चूंकि चल रहा है, हम लोग जाएंगे तो वहाँ से हजारों लोगों के फोन आ रहे हैं कि वो BJP ज्वाइन करेंगे। तो कांग्रेस के प्रति लोगों का ये हो गया कि भाई यहाँ कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं है और प्रतिष्ठा नहीं है, मनमाने ढंग से निर्णय लिए जा रहे हैं, इस कारण से कांग्रेस छोड़ करके BJP में। अभी जो फोन आ रहे थे और अभी जो लोग बता रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए, तो पिलानी विधानसभा क्षेत्र में तो मेरा आकलन नहीं, मेरे साथियों का आकलन है, उन लोगों का भी आकलन है जो डायरेक्ट मेरे साथी नहीं है, न्यूट्रल लोग हैं, उनका भी आकलन है कि पिलानी विधानसभा क्षेत्र में तो सारा असर पड़ेगा ही पड़ेगा, भारी असर पड़ेगा। लेकिन झुंझुनू की राजनीति में भी मैं समझता हूँ, मेरे साथियों का भी आकलन है कि इसका असर पड़ेगा। राजनीति झुंझुनू की चल रही जो है, जिस प्रकार से एक एकाधिकार जो बना रखा है अपने परिवार के लिए, अपने चंद लोगों के लिए, एक छोटे से गुट के लिए, वो एकाधिकार कार्यकर्ता सहन नहीं कर सकता। कार्यकर्ता चाहता है पार्टी में सम्मान, तो कांग्रेस जब सम्मान नहीं दी तो इस कारण से सब लोग मेरे साथ में यहाँ आ गए। तो सर, कांग्रेस के विधायक, पूर्व विधायक रहे हैं जेपी चंदेलिया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज ज्वाइन कर लिया है, क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया है सर? मेरी प्रतिक्रिया तो ये है कि ये वोट है ना मोदी जी के नाम पे पड़ेंगे सारे। मोदी जी ने जो काम किया, काम के 10 साल में जो काम किया, विकास करे उनके, बाकी कोई भी आए कोई भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको भी पता कि चंदेलिया जी ने 5 साल में क्या किया था, पूरी पिलानी विधानसभा को पता है कि ने क्या विकास किया, किसका विकास किया था। मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, ऊपर से उनकी ज्वाइनिंग हुई है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बाकी उनके नाम से वोट पड़ेंगे मोदी जी के नाम से। दही यहाँ का जो वोट पड़ेंगे, अजीत जी जो बदैया हमारे नेता हैं, उनके 6 महीने में उन्होंने जो किए हैं, काम किए हैं, विकास कार्य किए हैं, उनके आधार पे यहाँ के वोट पड़ेंगे, BJP को पड़ेंगे।
राजीव जी ने, जेपी चंदेलिया जी ने कहा है कि पिलानी विधानसभा में मैंने बहुत सारा काम किया है, उस बेस पर मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगा और मेरे नाम मेरे काम पर वोट पड़ेंगे। उनके काम पे तो कितने वोट पड़ेंगे आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनके काम से कोई वोट नहीं पड़ेंगे, टूट सकते हैं वोट उनके नाम से। कारण तो पता ही सबको, बता वो बताइए थोड़ा एक अजीब। आप पिलानी के बच्चे बच्चे को पूछ लो आप, उनके क्या काम किया उन्होंने, क्या कि कैसी उनकी पॉलिसी थी। अभी तो वोट पड़ेंगे, राजेश जी दैया है पिलानी विधानसभा के लीडर है हमारे, उन्हीं के उन्होंने जो काम किए छः महीने में, पिछले छः महीने में उन्होंने कार्यकर्ताओं खूब आए हैं, साख संभाल की है, विकास कार्य भी जो जो उनसे हुआ विचारों से उन्होंने किया, उन्हीं के नाम से राजेश जी जो दैया उनके नाम से वोट पड़ेंगे। और ये मान लो कि वोट मोदी जी के नाम से पड़ेंगे, चंदेलिया जी का ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा।